के बाद शुद्धिकरण के बारे में कितने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट वो बना चुके हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ है? तो ये स्थिति इसकी है। वो भी पहले आंदोलन में मैं उनके साथ रहा था राजेंद्र सिंह के, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मेरा लेख भी सुनाया है पुस्तक। तो देखिए, आशा की बात ये है कि लोग वादे करते हैं, जब उन्हें उनका इलेक्शन आता है उन्हें वोट लेना होता है, कि यदि उनसे आप ये कहें कि जनता चाहती है कि आसमान के तारे जमीन पर ला दें, तो वो कहेंगे कि बिल्कुल देखिए हमारी सरकार बनी और हमने तारे जुटों की जमीन पर चला है। व्यवहार में कितना कुछ होता है ये सब चीजें आशा तो की जाती है, आने वाले को भरोसा देती है, क्योंकि जो आदमी सदन में बोलता है उसे तो सब लोग झूठे लगे। हमारी जो देहात मिलता है ये इतनी ज्यादा झूठी नहीं होती, दोनों सबसे शांति के ऊपर आधारित है, इसीलिए तो बार बार बहका देते हैं। ये तो नोटा का अधिकार है, एक बार नोटा का बटन दबता चला जाए तो पता चलेगा हमें तो अपनी धमक को सुनी, लेकिन हम नोटा का नहीं दबाते, हमें तो जो ज्यादा बहला देता बातों में हम उसको दबा देते। तो उसके पानी का इस्तेमाल फसल पर जाता है, और नहीं ये तो आप तो देखिए, मानिए आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट भी होंगे, ये जो चीज हम पेड़ की जड़ में डालते हैं उसका प्रभाव उसके पत्ते तक उसके फल तक, जैसे खेतों में हम यूरिया डालते हैं यूरिया हमारे के सैंपलों में भी यूरिया आ रहा है, तो इस तरह से जब इसका प्रदूषित पानी की फरें हमारे क्षेत्र में है तो न्यून आती इसका प्रभाव तो होगा, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसका प्रभाव नहीं है, फसलों पर भी प्रभाव होता है और मानव स्वास्थ्य के ऊपर तो मानव और जन्म। दूसरी बात, इसके अंदर बहुत सारे जलीय जलीय जंतु बहुत सारे मछली मछलियाँ और इस प्रकार के बहुत सारी आज अगर इसके पानी जो फैक्ट्री जो ये नहीं करती वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर फैक्ट्री नहीं लगाती, और अगर वो चलना चलते नहीं है तो वो बैन तक हो सकते हैं, लेकिन करेगा कोई नहीं, सरकार भी कुछ सरकार क्या हेल्प कर रही है, सरकार की साथ तो आज ही चिल्ला रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी ने तो अपना आधा जीवन दे दिया और जहां उस बात को माना जहां लोगों ने फॉलो किया राजस्थान में जो मैक्से से नुकसान मिला है वो इस बात के लिए मिला कि जहां गवर्नमेंट उस जमीन को पानी नहीं यानी चुहा रही घोषित कर दिया था कि ड्राई है जहाँ चुहा नहीं कर दिया, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, आपके साथ जानकारी होगी उस बात से आपके जल से जुड़े हुए, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और इसे भरोसा दिया कि कम से कम कुछ महीने तो आपके गुजर जाएंगे, उस पानी को आप इकट्ठा करके तालाब बनाओ, बहुत गहरे गहरे उन्होंने तालाब खुदवाए और वर्षा का पानी उन्होंने लगे, तो लोगों का उद्देश्य तो यही था कि भाई वर्षा का पानी 5-6 महीने तक एक गड्ढों में भरा रहेगा डिगीज में तो हमारा काम चलेगा, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की जमीन भी चोया पैदा होगा, और जब चोया पैदा होगा राजेंद्र सिंह के विकास से तो उन्हें और मैं तो ये चाहूंगा कि जब भी कभी मौका लगे अगर आपको ज्यादा कुछ ना हुआ हो तो फिर कभी आ ये धारा है हर नंदी, उसकी ही कोई निशानी है हर नंदी, राजा हिमालय की रानी हर नंदी, हर नंदी नंदी उसकी ही कोई निशानी है हर नंदी, राजा हिमालय की रानी हर नंदी, हर नंदी नंदी। इतने ही संतों और ऋषियों की वाणी में गूंजी हुई पहाड़ी है हर नंदी।
तो संभालो संभालो तुम एक बूंद जीवन की इसमें भी डालो तुम कुछ दिन की महिमा है घर ना सुना हमने कहती है हर नंदी मुझको बचा लो तुम बचा Thank you.